नमस्कार, जय हिंद। दिस इज अनुराग गुप्ता वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू विद अ न्यू थॉट, विद अ न्यू स्टोरी। आज की छोटी सी कहानी मुझे भेजी है मेरी एक मित्र डॉक्टर प्रतीक्षा दीक्षित ने मुरादाबाद से, और उन्होंने कहा कि आप इस पर एक छोटा सा वीडियो बनाएं। कहानी ये है, एक टेबल के ऊपर अनाज से भरा हुआ मर्तबान जार रखा हुआ था। तभी वहाँ पर एक चूहा आया और उस अनाज के जार में कूद गया। चूहे ने देखा कि उसके चारों तरफ इतना अनाज है खाने के लिए, बड़ा खुश हुआ और उसने सोचा कि मेरी पूरी ज़िंदगी जो है वो आराम से तसल्ली से गुजर जाएगी, क्योंकि मुझे खाने के लिए अब कुछ जुगाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। चूहा उस अनाज के जार में ही रहने लगा और उस अनाज को खाता रहा। जैसे जैसे चूहा अनाज खाता जा रहा था, वैसे वैसे अनाज की क्वांटिटी जो थी जार में कम होती जा रही थी और चूहा उस जार के अंदर फंसता जा रहा था। एक दिन ऐसा आया जब सारा अनाज खत्म हो गया और चूहा उस मर्तबान के बॉटम में जाकर फंस गया। अब वो आश्रित था दूसरों पर जो उसको अनाज डाल सकें। चूहा छटपटाया, चिल्लाया, लेकिन कुछ कर ना पाया। अंततः भूख और प्यास से चूहे ने दम तोड़ दिया। कहानी तो बस इतनी सी है, लेकिन इसकी सीख क्या है? सीख ये है कि शॉर्ट टर्म प्लेजर बहुत, जो कम समय में हमको बहुत ज़्यादा खुशी जो मिल जाती है वो बहुत शॉर्ट टर्म होती है। दीज आर लॉन्ग टर्म ट्रैप्स, वो आपको ताउम्र बांधने की ताकत रखती है। दूसरी बात, फ्रीडम डज नॉट कम सो इजीली। इफ इट कम्स इजीली देन इट्स नॉट फ्रीडम, इट्स अ ट्रैप एंड इट विल गो वेरी क्विकली। अगर आपको आज़ादी बड़ी आसानी से मिल रही है तो आप कहीं फंस रहे हैं, और वो आज़ादी जितनी आसानी से मिली है उतनी आसानी से ही चली जाएगी। तीसरी बात, कंफर्ट लेवल आपको डिपेंडेंट बनाते हैं दूसरों पे। जब आपको लगता है कि आप बहुत कंफर्टेबल हैं, दूसरा आपका ख्याल रख रहा है, तो आप उस इंसान पर डिपेंडेंट बन जाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात जो मेरे पिताजी हमेशा मुझसे कहते थे कि ज़िंदगी में कोई चीज़ तुमको सस्ती मिले, मुफ्त में मिले, बिना काम किए मिले, तो मत लेना, क्योंकि वो तुमको फंसा के जाएगी। नथिंग इन योर लाइफ माई फ्रेंड, नथिंग इन योर लाइफ कम्स फॉर फ्री। इफ इट कम्स फॉर फ्री देन इट्स नॉट वर्थ इट। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। नमस्कार, जय हिंद।